आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स रोज 2020 की सीरीज में ये हमारा 11th लेक्चर है जहां पे मैं पॉलिटी के रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल एनपीआर 2010-2020 फॉर्मेट। बिहार असेंबली ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया है कि ये स्टेट में बिहार स्टेट में एनआरसी नहीं होगा। क्या होगा फिर? एनआरसी के बदले एनपीआर किया जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और एनपीआर भी 2020 के फॉर्मेट के हिसाब से नहीं होगा बल्कि 2010 में जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी ऑलरेडी उसके हिसाब से किया जाएगा। तो हम देखेंगे ये आर्टिकल में, ये डिस्कशन में कि एनपीआर क्या है और 2010 का फॉर्मेट 2020 के फॉर्मेट से कितना डिफरेंट है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये एक डेटाबेस प्रोवाइड करता है यूजुअल रेसिडेंट का। यूजुअल रेसिडेंट कौन है? यूजुअल रेसिडेंट वो लोग होते हैं जो 6 months या 6 months से ज्यादा एक प्लेस पर रुके हुए हैं, और इनका इंटेंट भी ऐसा होगा कि सेम प्लेस में नेक्स्ट मंथ के लिए भी रुके हुए रहेंगे, नेक्स्ट 6 months के लिए। ये कहलाते हैं यूजुअल रेसिडेंट। अब बेसिकली एनपीआर जब हम बात करें तो एनपीआर और सेंसस में कुछ अंतर है। ये क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है इसमें? देखिए, एनपीआर एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के स्पेसिफिक है। ये आइडेंटिटी कैसा कलेक्ट करते हैं, जैसा कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, एक्सेट्रा। ये आइडेंटिटी बताना है, कुछ भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बताना है। लेकिन सेंसस में क्या होगा? सेंसस में सिर्फ इतना ही जाना जाएगा कि एक होल्ड में कितने, एक हाउस में कितने हाउस होल्ड रह रहे हैं, मतलब कितने मेंबर्स हैं, ये मालूम करेंगे सेंसस में। एनपीआर में आइडेंटिटी। अब ये देखना आप एनपीआर 20 फॉर्मेट एनपीआर 10 फॉर्मेट से क्या डिफरेंट है। सबसे पहले ये देखेंगे हम एनपीआर 10 का फॉर्मेट क्या है। एनपीआर 10 के फॉर्मेट के हिसाब से 15 आइडेंटिटी पर्टिकुलर्स होना जरूरी है, जैसा कि नेम, रिलेशनशिप विद अ हाउस होल्ड, ये जो हेड ऑफ द फैमिली है उनसे आपका रिलेशन क्या है, ये आपका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिटल स्टेटस आपका, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ पेरेंट्स, प्लेसेस ऑफ बर्थ, ये मालूम किया जाएगा। इसके अलावा भी नेशनलिटी, प्रेजेंट एड्रेस क्या है यूजुअल रेसिडेंस का, और ड्यूरेशन क्या है जो प्रेजेंट एड्रेस में रह रहे हैं, ये इसका ड्यूरेशन कितने है, 3 महीने से रह रहे हैं, 4 महीने से रह रहे हैं, और परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है इनका। एनपीआर 2020 का फॉर्मेट जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा है, जैसा कि मदर टंग क्या है आपकी ये भी बताना है आपको, और इसके अलावा भी आपके पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ क्या है और पेरेंट्स आपके कहाँ पे पैदा हुए, यानी प्लेसेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें 2020 के फॉर्मेट के हिसाब से है। थोड़ा कठिन हो जाता है, पेरेंट्स अगर आपके पास भी नहीं रह रहे हैं तो भी उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मतलब कुछ प्रूफ लेकर आके बताना है आपको, ये तारीख में पेरेंट्स बर्थ लिए थे और इनका प्लेस ऑफ बर्थ ये है, ये प्रूफ के जरिए प्रूफ करना थोड़ा इम्पोर्टेंट, थोड़ा कठिन हो जाता है। दैट इज द रीजन बिहार ने ये फैसला किया है कि 2010 में जो फॉर्मेट था एनपीआर का वही फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट, डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली ये प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में यानी लोकसभा में कितने लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्टेट से। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम, 29 स्टेट्स हैं इंडिया में और 9 यूनियन टेरिटरीज है। 29 स्टेट्स है लेकिन लोकसभा में कितने रिप्रेजेंटेटिव है हमारे? लोकसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव है 552, जिसमें से स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले 530 सीट्स है और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने वाले 20 सीट्स है, ठीक है, 20 सीट्स है, और 2 है एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट करने वाले। एंग्लो इंडियन की बात नहीं करेंगे हम, लेकिन यहाँ देखिए 530 स्टेट्स है लेकिन अभी तो हमने देखा कि 29 स्टेट्स ही है और यूनियन टेरिटरीज से 20 है। अभी तो हमने ये भी देखा कि 9 यूनियन टेरिटरीज से। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये जब लिमिटेशन फिक्स की गई थी तब हमारे पास 28 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे, अभी थोड़े चेंजेस आ गए। बहरहाल, फिर भी ये नंबर तो कम है 530 और 20 के हिसाब से। ये किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को? तो यहाँ पे रोल आता है डिलिमिटेशन कमीशन का। डिलिमिटेशन कमीशन एक बाउंड्री फिक्स करता है, बाउंड्री फिक्स करता है कि एक बाउंड्री में कितने लोग रहते हैं, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स स्टेट है, एक्स स्टेट में 20 लोग रह रहे हैं,
स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने होंगे यहाँ पे? अगर चार मेंबर ले लूं, इक्वली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, पांच 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 पांच, इस तरह से बाउंड्री तय की जाती है कि एक एक स्टेट में चार चार कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आ रहा है समझ में? तो इसी तरह देखिए आप, थोड़े ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली सी बात है वहां पे रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा, और वह स्टेट जहां पे कम पॉपुलेशन होगी वहां पे रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होगा। यानी अगर एक स्टेट में 50,000 लोग रह रहे हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू वाई स्टेट जहां पे सिर्फ 1,000 लोग रह रहे हैं। अब न्यूज क्या है, न्यूज में यह बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए और फोर अदर नॉर्थन ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। ये नॉर्थन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जम्मू एंड कश्मीर के अलावा, एक है असम, नॉर्थ ईस्टर्न में आता है, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये चार स्टेट, और जम्मू एंड कश्मीर, ये चारों का फिर से डिलिमिटेशन कमीशन होगा। फिर से नहीं बल्कि पहली मर्तबा हो रहा है, क्योंकि वेरियस रीजंस के हिसाब से 2002 में नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? कुछ ना कुछ रीजंस थे, हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि एक घंटा लगेगा रीजंस डिस्कस करने के लिए। तो एनीवेज, जम्मू एंड कश्मीर और ये चार स्टेट्स में सर्वे नहीं हुआ था, डिलिमिटेशन कमीशन नहीं गई थी, लेकिन अभी देखना ये डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे जाएगी और सर्वे करेगी और एक बाउंड्री तय कर दी जाएगी कि इतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रहे हैं ये स्टेट से। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना प्रकाश देसाई को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। अब इनके इनके सुपरविजन में ये सारी चीजें होगी। डिलिमिटेशन कमीशन को सेक्शन 3 के अंतर्गत बनाया गया है, सेक्शन 3 डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत। इसके अलावा भी डिलिमिटेशन कमीशन बहुत बार हुई थी, जैसा कि चार मर्तबा हुई थी डिलिमिटेशन कमीशन 1952 में जो हुई थी अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट 1952, 1963 में जो हुई थी अंडर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962, 1973 में जो की गई थी अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1972, और जो 2002 में हो रही थी वो अंडर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002। और यहाँ पे थोड़ा काम मुकम्मल नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर छूट गया था और क्या छूटा था, फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब 2002 डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत एक आर्टिकल आता है, दैट इज सेक्शन 3 कहूंगा मैं इसको, सेक्शन 3 ये इजाजत देता है कि फिर से आप है ना जो स्टेट्स छूट गए थे वहां पे आप सर्वे करना। सेम चीज यहां पे हो रही है, ये कमीशन जो भी चीजें बोलेगा वो मैंडेट कर दी जाएगी और यही लिमिट होगी लोकसभा और बाकी असेंबलीज की ये स्टेट्स में। डिलिमिटेशन कमीशन जो लिमिट फिक्स कर देता है, बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो फिक्स कर देता है, वो सबको मानना होगा, ये मैंडेट होगा। और ये डिलिमिटेशन कमीशन को बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं इसी वजह से। डिलिमिटेशन कमीशन एक हाई पावर बॉडी है और इसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा बिफोर एनी कोर्ट। नेक्स्ट आर्टिकल क्यूरेटिव पिटीशन, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, तो बार बार निर्भया कांड के जितने भी रेपिस्ट हैं वो बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग वे में क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल करते हैं। तो ये कितने लोगों के पास चांसेस होते हैं, पहले बेसिक्स डिस्कस करेंगे हम। देखिए, अगर कोई कॉन्विक्ट है तो ट्रायल कोर्ट इसको पनिशमेंट देती है, पनिशमेंट सुनाती है, कैपिटल पनिशमेंट भी सुना सकती है, जैसा कि सेशन कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए पनिशमेंट देते हैं। ट्रायल कोर्ट में होता है, फिर बाद में हाई कोर्ट में ये चैलेंज कर सकते हैं, यानी अपील कर सकते हैं, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपील कर सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद अगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा यानी डेथ पेनाल्टी मिलेगी, तो इनके पास उस समय तीन ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है रिव्यू पिटीशन, फिर से आप केस दोबारा से सुनने की अर्जी डाले। सेकंड, क्यूरेटिव पिटीशन होता है आपके पास। और तीसरा जो होता है वो है मर्सी सीक करना, ठीक है, मर्सी ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर। अब देखिए, रिव्यू पिटीशन में फिर से केस सुना जाता है और मर्सी में
प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास फुल राइट्स होते हैं कि ये सजा माफ कर दें या सजा घटा दें एटसेट्रा। अब हमें जानना है क्यूरेटिव पिटीशन क्या है। क्यूरेटिव पिटीशन एक फाइनल और लास्ट ऑप्शन होता है एक्यूज पर्सन के पास कि आपको जस्टिस एक्वायर करना है, तो ये आपके पास लास्ट प्लेटफॉर्म है क्यूरेटिव पिटीशन। एज मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉमिस भी किया है क्यूरेटिव पिटीशन के ताल्लुक से। ये इवॉल्व हुआ वन आफ्टर दी अदर। कब हुआ ये? एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ था रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा एंड ANR 2002। ये लैंडमार्क जजमेंट ने ये बताया था कि क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकता है कोई भी एक्यूज्ड पर्सन या कॉन्विक्टेड पर्सन। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन इसको सपोर्ट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल ये एनेबल भी करता है सुप्रीम कोर्ट के अपने खुद के जजमेंट पे रिव्यू भी कर सके आप। और ये पिटीशन को फाइल किया जाता है विद इन 30 डेज ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर। क्यूरेटिव पिटीशन बेसिकली डिसाइड किया जाता है जजेस के चैम्बर में अनलेस एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ना की गई हो ओपन कोर्ट में हियरिंग सुनाने जाने के लिए। क्यूरेटिव पिटीशन देखिए आप सुन रहे थे कि बार बार क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जा रही है। ये चार पर्सन थे एक्यूज पर्सन ABCD। अब ये लोग बार बार पिटीशन फाइल कर रहे थे तो एक जजमेंट ऐसा आया था अगर सी ए की पिटीशन क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट हो गई है तब बी भी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकता है बाद में ये रिजेक्ट होने के बाद में। सी भी वैसे ही डी भी वैसे ही यही चीजों का फायदा उठाते हुए ये लोग अपनी जस्टिस मतलब हैंगिंग डेट को डिले करवा रहे थे। तो ये एक तो ये क्यों नहीं हो रहा एक ही दम में क्यों नहीं हो रहा क्यूरेटिव पिटीशन? तो ये एक ही दम में पूरे अगर एक भी पर्सन फाइल कर रहा है जब एक की रिजेक्ट हो रही जा रही है तो पूरों को भी रिजेक्ट कर देना था ऑटोमेटिक होना था ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा? ये केस था हरबंस सिंह 1982। इसमें हुआ ये था चार पर्सन थे चारों के चारों कॉन्विक्टेड थे लेकिन एक्स को हैंग कर दिया गया फिर वाई ने क्यूरेटिव पिटीशन दिया था। वाई ने जब क्यूरेटिव पिटीशन दिया था ये इनको सजा माफ कर दी गई थी और जेड ने जब फिर से क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया था कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिफरेंट हो गया इनको एक्स को अलग सजा मिल रही है वाई को अलग सजा मिल रही है क्राइम सेम है तो ये भी बच गए थे। तो ये चीजों को अवॉइड करने के लिए चारों को ये मतलब ABCD को फिर से मौका मिलता है कि अलग अलग तरह से क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं आप और जब पूरों की रिजेक्ट होगी तब आपको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब।